नेक्स्ट कॉलर है, स्वागत है आपका। उषा जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार मैम। मुझे हकीम जी से ये पूछना था कि मेरा बेटा वो ले रहा है आर्केयर, ठीक है। तो उसको जल्दी जल्दी खांसी जुखाम हो जाते थे, तो आपके प्रोग्राम देख के मैंने उसको बताया कि ये आर्केयर ले लो, इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है और हकीम जी बताते हैं। तो ये जो दो डिब्बे आए हैं, वो दो डिब्बे एक तो खत्म हो गया है और दूसरा डिब्बा लेने के बाद और भी कंटिन्यू करते रहना है आगे। ठीक है, देखिए यूनानी में 6-7 महीने का इलाज है इसका, तो कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। एक डिब्बा 20-25 दिन चलता है और 6-7 महीने लगातार खाना है। खट्टी चीज़ों का परहेज कराइए और लगातार खिलाइए, तब आपके बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। जी, कोई और सवाल तो नहीं है मैम आपका? नहीं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिमाचल से हमारे बहुत पुराने दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। हकीम साहब सलाम। आधा वाकई बहुत याद आ रहे थे आप राकेश भाई, कैसी तबीयत है? अभी ठीक है सर, दवाई खा रहा हूँ उसके, शुगर का मेडिसिन, शुगर का दो जी वो चलता है लगातार। जी हाँ, दूसरा मैं हकीम साहब एक पूछना था, मेरे पास ना पहले का पड़ा हुआ दूसरा गोंद, स्याह काला गोंद जो है, और गोंद मोरिंगा भी एक डब्बा पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है, नमक जैतून भी पड़ा मेरे पास, वो शुगर में जब हो गया फिर मैं उसको यूज नहीं किया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी एक्सपायरी वगैरह तो नहीं हो सकती कोई? ठीक है जी। देखिए 2 साल एक्सपायरी होती है, जब आपने लिया था उससे 2 साल तक ये ख़राब नहीं होता। आप देख लीजिए कब लिया था अंदाजे से, और अगर ये पाउडर बन जाए तो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर ये वैसा ही रहे तो ख़राब होने में देर लगती है। जी शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है। नेक्स्ट कॉलर हैं तहसीन जी, लखनऊ से, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप कितने हैं, आप कैसी मैम? हम ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, वाले सलाम, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, अल्लाह का एहसान है। जी मैम मेरे दो तीन सवाल हैं, लिख लीजिएगा। बताएं। मैम सबसे पहला मेरा ये सवाल है, हमने अदरक के पेस्ट में जैतून का सिरका मिलाया है 1 चम्मच, तो वो खाना पकाने में यूज कर सकते हैं? जैसे सब्जी है, सालन है, ये सब पकाने में उस अदरक के पेस्ट का हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? जैसे अभी हमें यह नहीं पता कि उसको यूज किया जाता है कि नहीं जैतून के सिरके को। ठीक ठीक है। है, मेरा पहला ये सवाल है। और दूसरा मैम मेरा ये सवाल है कि जैसे अमरूद खाने मतलब ऐसे नॉर्मली खाने में बड़े फायदे के होते हैं, क्या उसको भून कर खाने में कुछ नुकसान है या उसके भी उतने ही फायदे मिलते हैं जितना मतलब ऐसे नॉर्मली अमरूद खाने में होते हैं? ठीक है, बड़े अच्छे ठीक सवाल है, है। और बस यही दो पहले बता दीजिए फिर बाद में बात कर लेंगे। चलिए ठीक है जी। ठीक हाँ, देखिए अमरूद अगर खाया जाए बगैर भुना हुआ तो किसी को खांसी कर सकता है, थोड़ा ठंडा होता है, और अगर अमरूद को भून कर खाया जाए तो ये खांसी को अच्छी करता है। ये बहुत पुराना नुस्खा है, मेरी माँ मुझे देती थी जब मैं खांसी हो जाती थी, तो अमरूद थोड़ा सा कच्चा थोड़ा पक्का उसे हल्का सा भून कर फिर खिलाती थी तो खांसी ठीक हो जाती थी। खांसी के क्योंकि आप ऐसे नुस्खे पूछ रही हैं जो मेरी वालदा से भी मुतालिक है और मेरे बचपन से मुतालिक है। जब कभी बुखार हो जाता था, मेरी माँ अपने हाथ की से बनाई हुई सिवैयाँ जो अपने हाथ से तोड़ती थी तो उसको भून के रखती थी, हल्का सा भून के रखती थी, और जब किसी को बुखार नज़ला खांसी हो जाता था तो सिवैयाँ उबाली पानी में, और सिवैयाँ तो छोड़ दी, पानी में हल्का सा खाने का सोडा या नमक मिला के और मीठा मिला के हमें पिला देती थी, तो इससे बुखार भी उतर जाता है, सर्दी के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं और खांसी बलगम भी ठीक हो जाता है।
और एक सवाल था इनका। जी, अदरक का जो इन्होंने पेस्ट बना रखा है उसमें जैतून का सिरका है। जी तो ये अदरक हो या लहसुन, इसके पेस्ट अक्सर ख़राब हो जाते हैं। और सिरका एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि अगर सिरका इसमें मिला दिया जाए तो ये ख़राब नहीं होने देता किसी पेस्ट को। तो आप इसमें मिला के ज़रूर रखा करिए और इसे आप इस्तेमाल यकीनन कर सकते हैं, खाने में सालन में इस्तेमाल कर हो सकता सकते है। हैं। जी तहसीन जी, सवाल कर लीजिए कोई रह गया हो तो। चलिए, शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार बेटा, नमस्कार मैम। जी को मेरा आदाब। आदाब संतोष जी, आपका नाम आते ही मुझे लगता है कि करोड़ों वाकई संतोष दुआएं जी मेरी तरफ से आपको। संतोष है, वाकई आपका देखो, नाम वाकई संतोष है और सही है। बिना धर्म बिना जाति देखे आप लोगों की सेवा करते हैं। मेरे मालिक को ऐसे ही लोग पसंद बेशक बेशक, आप भी बहुत अच्छी हैं, बहुत दिल वाली हैं, बहुत खुले दिमाग की हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। हम आपका खास आदर करते हैं। जी। मैं तो जी ऐसी हो जाऊं कि बस अपने मालिक का नाम जपती रहूं, थोड़ा सा मुझे रहने का थोड़ा सा आराम मिल जाए बस, और ज्यादा कुछ नहीं। मैं काम नहीं कर सकती, ना करूं कोई नहीं, मुझे काम वाली लग रही है मेरी। और अपने पति का खाना बना दूं बस, वही बात है अभी मेरा सवाल। और देखो मेरे पास यहाँ पर दवाई आई है, उसमें आपके ही लेबल लगे हुए डब्बे हैं और उसकी पैकिंग पर भी आपका फोटो छपा है। अब नहीं पता वो नकली है असली है, मैं कैसी दवाई ले रही हूँ पता नहीं, इसलिए नहीं, आराम नहीं हो वो रहा हूँ। हमारी कंपनी अनायुर UN हाँ से शुरू है, वो हमारी कंपनी है, मार्केटिंग की कंपनी, हाँ हाँ अनायुर, उसी से। हाँ अनायुर मार्केटिंग। हाँ हाँ योनायुर मार्केटिंग। जी अच्छा जी, मेरे आपसे सवाल है कि मुझे एसिड बहुत बनता है, मैंने पेट की वो करवा ली है, मुझे कुछ नहीं है पेट में, अंदर लीवर में इतना मतलब एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा कि मैं कुछ खा नहीं सकती, इतनी जलन हो रही है बहुत ज्यादा। और एक दवाई से दूसरी दवाई के बीच में कितना अंतर रखूं? और जो आपने सुन्नी वाला बताया था ना, वो मैं रोज करती हूँ, ठीक उससे भी कुछ मुझे नहीं आराम पड़े। ठीक जी एक तो जब भी इनका कॉल आता है तो मैं बड़ा भावुक हो जाता बिल्कुल। हूँ। इनकी बातचीत ऐसी है जैसे बहुत बड़े विद्वान करते हैं, जी बिल्कुल ऐसी बातचीत है। सिर्फ विद्वानों में ही मैंने ये बात पाई जो अंदाज आपका है या आपके अंदर पाई। भगवान आपके लिए आसानी करें। और ये दवाई हमारी है अनायुर मार्केटिंग। क्या सवाल था इनका? सवाल है इनका, एसिड जलन बहुत ज़्यादा हाँ होती है। जी देखिए, इतनी दवाइयाँ आप खाते हैं और अगर कोई एलोपैथिक दवाई दर्द की आप खाते हैं तो उसके साथ एसिडिटी की दवाई खाना ज़रूरी है, नहीं तो ये बीमारी हो जाती है कि जब भी वो खाते आराम मिले ना मिले लेकिन वो एसिडिटी बनती है। जब फिर इतनी दवाई खाने वालों को सब जगह वर्म हो जाता है, लीवर पर, आंतों पर, मैदे पर, अमाशय पर, सब जगह वर्म हो जाता है। तो आपके गांव में अगर मिलती हो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आप जानती हैं, सौंफ, मको और कासनी, तीन चीज़ें हैं, कासनी, मको और सौंफ, ये तीनों चीज़ें आप ऐसे 20-20 ग्राम, 30-30 ग्राम लें और इसे 1 लीटर पानी में डाल दें और इतना इसे जलाएं कि 100 ग्राम पानी जल जाए, फिर इसे छान के रख लें और इसमें नमक जैतून 2-3 चुटकी मिला के रख लें एक बोतल में और ये रोज़ पिया करें, पूरी बोतल ख़त्म कर लें। तो इससे लीवर एसिडिटी, कब्ज़, ऐसी बवासीर जैसी वर्म ये चीज़ें निकल जाती हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, कासनी, कासनी सभी जानते हैं, कासनी, मको और सौंफ, इनका पानी जितना पिया जा सके, ये नुकसान नहीं देती, इतना पीजिए नमक जैतून मिला के इसमें, ये तो पेट के लिए है।
और एलोपैथिक दवाएं भी लेनी पड़े तो ले लिया करिए। मेरी बढ़िया दिमाग और दिल आपकी तरफ लगा हुआ है कि कब आप कहें कि आपको भगवान ने फ़ायदा देना शुरू कर दिया, उस दिन मैं बहुत और ज़्यादा शुक्र करूँगा भगवान का, जिस दिन आपको फ़ायदा होने लगेगा। जी जिंद से हैं महावीर जी, स्वागत है आपका। महावीर जी आप लाइन पे हैं? हाँ जी जी सर बताएं। अभी ऐसे है हम पहले भी, अब आप का लाइव प्रोग्राम काफी दिन के बाद आया है जी, तो मैं एक तो वो बताना चाहता हूँ कि मेरी मैडम जो चल रही थी दवाई आपकी बनाई हुई मैं लिया करता, वो तो भगवान ने प्यारी हुई। अच्छा। और मेरे जो ब्लॉकेज हैं इनके लिए मैंने वो नुस्खा बना रखा है, ये अदरक लहसुन नींबू उसका, लेकिन अब सर्दी में वो नींबू से बाजू में दर्द रहने लग गया, वो ले नहीं पा रहा मैं, उसकी कोई काट हो। ठीक। और दूसरी चीज है जो मेरी गर्दन है ये कम है, पहले भी कम मुड़ जाती लेकिन काफी कोशिश कर रहा हूँ मैं, अब कुछ तो मुड़न लग गई, लेकिन इसकी इसमें कैल्शियम जम रहा है ऊपर जो ये हड्डी है इनमें, ये कैल्शियम किसी तरह से पिघल सकता है क्या, इससे ये फ्लेक्सिबल हो जाए मेरी गर्दन दाएं बाएं मुड़न लग जाए ऊपर नीचे, ये दो सवाल है। ठीक है सर। देखिए अगर थोड़ी सी भी आपकी गर्दन का मूवमेंट है ऐसे या ऐसे तो ये कैल्शियम हट सकता है, हमारे यहाँ पर कैल्शियम ही जम जाता है, वो सख्त हो जाता है फिर गर्दन को मोड़ने नहीं देता, तो अगर अगर मूवमेंट है अभी तो उसे करते रहिए, यहाँ की मालिश भी खूब कराइए और मूवमेंट जो मैंने एक्सरसाइज बताई है आप करते हैं वो ज़रूर करते रहिए और जितना चाहे करें, दर्द हो तो दर्द की दवा खा कर करें। और आपकी पत्नी का मुझे बहुत अफसोस, और शायद यही बेहतर था आपके लिए भी और उनके लिए भी कि भगवान उनको वहीं पर सुरक्षित रखे। ओह आपने बड़ी सेवा की अपनी पत्नी की, वाकई बहुत कम हस्बैंड ऐसा कर पाते हैं जितनी आपने उनकी केयर की, और बस मैं थोड़ा सा तकलीफ में आ गया ये बात सुन के। और क्या सवाल था? नींबू से दिक्कत हो रही है। आप चाहें तो उस नुस्खे में नींबू ना मिलाएं, और उसे अगर बगैर नींबू के ही पीना चाहें तो वो भी आपको फ़ायदा करेगा, और अगर फिर भी कुछ अलग लेना चाहें तो नमक जैतून और खाने का सोडा एक एक चुटकी 3 बार पानी में मिलाकर आप लिया करें, ये भी बहुत तेज़ी से हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है। बिल्कुल हकीम साहब, महावीर जी की जो धर्मपत्नी थी तो वो कभी कभी सुसाइड करने की भी कोशिश करती थी, ये खुद भी बहुत तकलीफ़ में थे उनकी प्रॉब्लम को देख के, और इन्होंने बहुत कोशिश करी, यकीनन आपने जितने नुस्खे बताए उन्होंने वो सारे आजमाए और गुंजाइश भी लगी थी कि वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन उनकी पीड़ा वाकई में काफ़ी बढ़ गई थी। देखिए जब ये जो भगवान है इसे इंसान के को अगर माफ़ करना है और जन्नत में जगह देनी है स्वर्ग में जी, तो हमारे किरदार हमारे करेक्टर तो इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो किसी बीमारी के जरिए उसको आजमाता है, और जब वो उस बीमारी में शुक्र करता है भगवान का और शिकायत नहीं करता तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसको उसके जो गुनाह हैं वो माफ़ होते हैं, और फिर किसी भी बहाने से भगवान उन लोगों को जो स्वर्ग में जगह दे देता है, जितने बीमार होता है इतने ही उसके गुनाह कम होते हैं यानी पाप कम करता है और उन्हें स्वर्ग में बुला लेता है। तो महावीर जैसा शख्स बहुत कम होते हैं जो अपनी पत्नी की इतनी खिदमत करते हैं कि अपने आप को उनके ऊपर निसार कर देते हैं, निछावर कर देते हैं। तो मैं आपको सलाम करता हूँ आपकी इस खिदमत पर, यकीनन भगवान ने भी आपको ज़रूर पसंद किया होगा। बिल्कुल। तो सर हमारी दुआ है कि आप बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं, और आप तो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहिए।
दर्शकों, अगर आप लोग की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से, जो हकीम साहब के बताए हुए नुस्खे आप लोगों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि समय यहाँ पे कम होता है। अगर आपकी कॉल किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर से जुड़ जाइए।